देखिए हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये जो माइक्रो ये है ना, ये इसमें ऐसे लगेगा, ठीक है ठीक हाँ है, ठीक है समझ और गए इजिली इसी के ऊपर यहाँ पे ये प्लेट फिट होगी। जी ये ऐसे रखनी है, 2082 मॉडल है तो इसमें ऐसी प्लेट आती है, ये जी प्लेट लगी रहेगी, ये लगी रहेगी ये हटानी नहीं है प्लेट आपको समझ कभी भी, गए। कितने टाइम के लिए भी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ साफ करने के लिए हटा सकते हो, हटाने के लिए वापस ऐसे लगा दोगे, अच्छा ठीक ठीक। है ठीक है 2082 मॉडल है तो ये हाँ कन्वेक्शन मॉडल है, इसमें जी सारी चीज़ होती है, माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन। तो इसमें माइक्रोवेव अगर जब भी आप टाइम डाल के सीधा स्टार्ट करोगे ना, जी यहाँ से 1-1 मिनट बढ़ेगा, हाँ यहाँ से यहाँ दस से दस मिनट अच्छा और यहाँ से स्टार्ट होगा इस वाले बटन से, अच्छा ठीक यहाँ से है। हाँ 1-1 मिनट जी, या 10-10 मिनट 10-10 मिनट, 10-10 सेकंड यहाँ से, एक एक हाँ सेकंड यहाँ से, तो अच्छा कोई भी टाइम डालना है आपको, ये टाइम डाल मिनट के का आप या सीधा, सेकंड का ये ये सेकंड मिनट्स के लिए, ये सेकंड के लिए, अच्छा ठीक यहाँ से है स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से जब भी टाइम डाल के सीधा स्टार्ट करोगे तो हमेशा माइक्रो चलता है, हाँ यानी कि जी कोई चीज़ गर्म करनी हो तो सिर्फ टाइम दिया 1-2 मिनट, हाँ जी कोई चीज़ बनानी है 10-12-15 मिनट दिया और हाँ स्टार्ट, अच्छा ठीक है। हाँ दूसरा होता है ग्रिल, हाँ जी ग्रिल होता है किसी भी चीज़ को ग्रिल हाँ करने के हाँ लिए, ग्रिल करने अगर के ऊपर से ग्रिल करना है आपको किसी चीज़ को हाँ तो जैसे एक ग्रिल, हमने ब्रेड ग्रिल सेक स्टे, रही है हाँ तो हाँ ग्रिल प्रेस करोगे फिर अच्छा टाइम कितनी देर के लिए ग्रिल करना है अच्छा और स्टार्ट, तो ये अच्छा ग्रिल मोड चल जाएगा। अच्छा तीसरा होता है कन्वेक्शन, हाँ कन्वेक्शन कन्वेक्शन बेक करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, कोई अच्छा चीज़ अगर आपको बेक करनी है या करारी करनी हो तो हाँ आप कन्वेक्शन से कर सकते हो। कन्वेक्शन जैसे ही आप प्रेस करोगे 110 डिग्री आएगा, फिर अच्छा 120, 130, 140, 50, 60, 70, 80, जैसे 90 और केक 200, बेक करना हो हाँ। तो वहाँ यहाँ भी से चल कन्वेक्शन से जी टेम्परेचर सिलेक्ट करोगे आप, कितनी देर के लिए आपको किस टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए अच्छा चलाना है और स्टार्ट, तो अच्छा कन्वेक्शन चल जाएगा कोई भी चीज़ बेक करनी हो या जी क्रिस्पी करनी हो करारी करने के लिए। अच्छा उसके बाद ये ऑटो कुक मेन्यू है, हाँ अगर आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितने टाइम से कहाँ से बनेगी हाँ तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से वेट और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपको ब्रेड स्नैक, जी तो ऊपर चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आपको बनानी है वो लिखा है, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो, अच्छा ठीक है। जैसे कि बेवरेज में आप क्या क्या बना सकते हो चार्ट वो कहाँ पे लिखा है, दिया है चार्ट ये ये रहा सब ना दिया चार्ट, हाँ वो तो वेट ही करेगी ना मैं था ठीक वो सब है। देख लेगी हाँ तो अच्छा बेवरेज में अच्छा यहाँ चाय, लिखा कॉफ़ी हुआ वगैरह है और देसी मसाला, उसमें क्या क्या आप बना सकते हो, ब्रेड स्नैक में पिज्ज़ा हाँ वो तो बनेगा सब और क्या दिया क्या हुआ है बनेगा, तो जी आपको क्या करना है सिर्फ वेट और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है यहाँ से, अच्छा यानी कि अगर जैसे आपको ब्रेड स्नैक बनाना है तो 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, अच्छा कोई भी एक टेम्परेचर ये सिलेक्ट करो, वेट जी और स्टार्ट, अच्छा इसमें टाइम और मोड खुद आ जाएगा, जैसे माइक्रो प्लस कन्वेक्शन पे 10 मिनट, ठीक है। ऐसे ही रीहीट दोबारा से कोई चीज़ गर्म करने के लिए, हाँ बेवरेज चाय कॉफ़ी जीरा वाटर के लिए वो सब ऊपर लिखा है, अच्छा स्टफ्ड भरवा सब्जियों के लिए, हाँ देसी राइस डिशेज, चावल हाँ वगैरह की कोई चीज़ बनानी है उसके लिए, हाँ देसी मसाला मिक्स, जी मसाले रोस्ट करने के लिए या देसी मसाला मिक्स में क्या क्या बनेगा वो ऊपर लिखा है, अच्छा तंदूरी ढाबा, हाँ चिकन के लिए, हाँ डेजर्ट केक के लिए। अच्छा जैसे डेजर्ट प्रेस करोगे तो इसमें एक ही वेट आ रहा है 475, तो जी लगभग आधा किलो का केक आप यहाँ से बना सकते हो ऑटो कुक मेन्यू से, स्टार्ट अच्छा करोगे तो मोड और टाइम खुद आ जाएगा उसमें, हाँ तो यहाँ से टाइम करके स्टार्ट करोगे तो माइक्रोवेव, ग्रिल यहाँ से टाइम अच्छा स्टार्ट, अच्छा कन्वेक्शन से टेम्परेचर, पहले टाइम टाइम और स्टार्ट बाद में स्टार्ट, होगा पहले टाइम देना होगा आपको, जी मोड सिलेक्ट करना है कौन सा मोड आपको अच्छा चलाना है, मोड सेलेक्ट करें उसके बाद फिर स्टार्ट टाइम, फिर स्टार्ट, जी उसके बाद माइक्रो प्लस ग्रिल और टाइम माइक्रो के प्लस बाद कन्वे, मोड वो करें सेलेक्ट ठीक जी है हाँ ठीक है माइक्रो प्लस ग्रिल और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है। जी अगर कोई चीज़ आपको माइक्रो प्लस ग्रिल करनी है, जैसे कॉम्बिनेशन 1, इसमें दो अच्छा कॉम्बिनेशन है, जी कॉम्बिनेशन 1 और 2, जी कॉम्बिनेशन 1 में माइक्रो 30% चलता है, 70% ग्रिल, जी यानी कि कम पकेगा और ज़्यादा जी ग्रिल होगा, वन अच्छा में, अच्छा टू में जी दोनों चीज़ें बराबर बराबर हैं, उतना अच्छा ही लगभग उतना ही चलता है टाइम और स्टार्ट, तो माइक्रोवेव भी सेम चलेगा, ग्रिल भी सेम चलेगा। कोई भी चीज़ आपको अंदर से पकानी है और ऊपर से ग्रिल करनी हो जी तो माइक्रो प्लस ग्रिल में कर सकते हो, जी ऐसे ही माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है, जी इसमें माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में एक सौ जी दस 140, 170 और 200, अच्छा केक वगैरह बनाना होता इससे होता है केक कन्वेक्शन में बनता है, माइक्रो प्लस कहाँ कन्वेक्शन जैसे कन्वेक्शन तंदूर से बनेगा चिकन ना या केक कोई भी तो आपको चीज़ नहीं ऐसी चिकन तो बना, हम नहीं खाते हाँ हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर हाँ से पकानी हो और ऊपर अच्छा से क्रिस्पी करनी हो, करारी करनी अच्छा हो, जैसे कि वो पिज्ज़ा हो गया आपका, हाँ पिज्जा हो गया उसको ठीक है। गर्म करना हाँ ये टेम्परेचर सेलेक्ट किया, टाइम और पिज्जा भी स्टार्ट, इसमें तो घर बना सकते हैं ना जी माइक्रोवेव में तो सब बनता है यहाँ से माइक्रो का पावर लेवल कम होगा, अगर कोई चीज़ आपको धीमी आंच पे पकानी हो तो माइक्रो का पावर लेवल यहाँ से कम करके फिर अच्छा टाइम दोगे और स्टार्ट, अच्छा ठीक है। ठीक एक्सप्रेस कुकिंग, हाँ कोई चीज़ अगर आपको गर्म करनी है सिर्फ अंदर रख के ये बटन प्रेस करोगे तो 30 सेकंड के लिए कौन सा बटन अपने आप करें स्टार्ट हो जाएगा कौन सा माइक्रोवेव, करें बटन एक्सप्रेस कुकिंग, अच्छा इसी ये बटन को प्रेस करते हुए आप 10 मिनट तक यहाँ पे टाइम भी डाल सकते हो अच्छा ठीक है मैक्सिमम, अच्छा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट अपने आप हो जाता है। अच्छा अपने आप ठीक है
वेट डिफ्रोस्ट, फ्रिज की चीज़ों को डिफ्रोस्ट करने के लिए। ये यहाँ से आपको वेट डालना है सिर्फ कितनी है अंदाजे से, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम और स्टार्ट। तो वो जो फ्रिज से आपने कोई चीज़ अगर निकाली है वो डिफ्रोस्ट करनी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लानी है, तो यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, वो यहाँ से? जी जी समझ गए। ये प्लेट अंदर रखी रहेगी। अच्छा, ये जो बर्तनों के बारे में आपको बता देता हूँ, जो माइक्रोवेव के बर्तन है, ये जो प्लास्टिक के, मिली है ना, ये जो प्लास्टिक की किट है ना आपकी, हमको ये सब बॉल भी है माइक्रोवेव वाले, वो भी मिले हैं। ये तो बढ़िया, एक इतने इतने बॉल भी। ये माइक्रोवेव के हैं, सिर्फ माइक्रोवेव के। ग्रिल पे आपकी ये जाली वाली जो स्टैंड है दोनों, ये ग्रिल पे चलेंगे। ये ग्रिल के लिए, ये ग्रिल के लिए रखना आपको इजीली वैसे ही है, सिर्फ प्लेट के ऊपर ही रखना है, आपको कोई भी चीज प्लेट से कोई हटाना नहीं, प्लेट नहीं हटानी है, प्लेट के ऊपर ही रखना है जो भी चीज। और ये जो है, ये छोटा वाला, वो कन्वेक्शन के लिए, काली वाली जो प्लेट है ये। अच्छा, वो कन्वेक्शन के लिए, ये कन्वेक्शन के लिए। अच्छा, कोई भी चीज बेक करनी हो तो इसके ऊपर रख के आप कर सकते हो। इसमें केक वगैरह तो नहीं बनेगा, जैसे कि अगर केक के लिए आपको गहरी जो आता है ना, गहरा बर्तन एल्यूमिनियम का, वो लेके आना होगा। ये हैंडल इसको उठाने के लिए ऐसे करके। अच्छा, इसको उठाने कैरी करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।